तो हम लोग करने वाले हैं अच्छी वाली प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस तो जितनी करोगे ना उतनी कम है ना, इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगा आप सभी को कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो। चलिए मैंने आपसे साइंटिस्ट पूछने वाला हूं ज्यादा से ज्यादा, और आपको बोलना है उनको इंग्लिश में। मैंने कहा सुनो जो मैं बोल रहा हूं, क्या कहेंगे, लिसन जो मैं बोल रहा हूं, व्हाट आई एम स्पीकिंग, लिसन व्हाट आई एम स्पीकिंग। मुझे सुनना नहीं बोलना पसंद है। इसको अगर प्रीफर में बनाओगे तो प्रीफर में ऐसा बनेगा, आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। टू स्पीक मत करना, टू स्पीकिंग, क्योंकि यहां पर टू इन्फिनिटिव की तरह काम नहीं कर रहा, टू इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई लाइक लिसनिंग मोर देन, आप मोर देन भी लगा सकते हैं क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन कर, तुलनात्मक बात कर रहे हो, इसलिए आप आई लाइक लिसनिंग मोर देन स्पीकिंग, ये भी एक तरीका होता है। इसका मतलब होता है कि मुझे सुनना ज्यादा पसंद है बोलने की अपेक्षा या बोलने की बजाय। मैं जानता हूं आपको बोलना ज्यादा, आपको सुनना ज्यादा पसंद है बोलने की बजाय। आई नो यू लाइक लिसनिंग मोर देन स्पीकिंग, इसलिए मैं आपसे सुनने के लिए कह रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू लिसन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू लिसन। क्या आपको सुनना पसंद है, डू यू लाइक टू लिसन? क्या आपको बोलना पसंद है, डू यू लाइक टू स्पीक? क्या आप बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक? क्या आपको बोलना पड़ता है, डू यू हैव टू स्पीक? क्या आप यहां हैं, आर यू हियर? क्या आप वहां जाएंगे, विल यू गो देयर? क्या आप स्टेज पर आएंगे, विल यू कम ऑन द स्टेज? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, क्या कहोगे, जो काम आपको करना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है। आई हैव टू, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, आई हैव टू टीच इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, चाहिए तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, क्या कहोगे, I used to speak English. मैं वहां जाया करता था, I used to go there. मेरे पास समय नहीं है वहां जाने के लिए, क्या कहोगे, मेरे पास समय नहीं है वहां जाने के लिए, I have no time to go there. मेरे पास समय नहीं है आपसे बात करने के लिए, I have no time to talk to you. मैं जानता हूं आप बिजी इंसान है, I know you are a busy person. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी टाइम ना दो, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मतलब होता है डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दो, इट डजंट मीन यू डोंट गिव टाइम टू योर फैमिली, यू डोंट स्पेंड टाइम, ये भी कह सकते हो गिव टाइम या स्पेंड टाइम, यू डोंट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आपको फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए, यू शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, अच्छा समय सम क्वालिटी टाइम, यू शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाए, आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर सेल्फ। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को बदले, आई वॉन्ट यू टू चेंज योर सेल्फ। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को बदले, आई वॉन्ट यू टू चेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को नहीं बदल सकते जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, क्या कहेंगे, यू कांट चेंज योर सेल्फ। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, यू कांट चेंज yourself जब तक आप कोशिश ना करो, until you try, ठीक है, you can't change yourself until you try। मैं जानता हूं मैं अपने आप को नहीं बदल सकता जब तक मैं कोशिश नहीं करूं, I know I can't change myself until I try। आपको कोशिश अवश्य करनी चाहिए, you must try। आपको बोलने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, you must try to speak। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, there is nothing impossible for you। आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, क्या कहेंगे, आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं, यू हैव समथिंग दैट आई डोंट हैव, दैट आई डोंट हैव। आपको उसका उपयोग करना चाहिए, यू शुड यूटिलाइज दैट। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प है, योर ब्रेन इज वेरी शार्प। आपका ब्रेन मेरे ब्रेन से ज्यादा शार्प है, क्या कहेंगे, योर ब्रेन is sharper than mine। क्या आपको लगता है आप मुझसे अच्छा बोलते हैं? Do you think you speak better than me? मुझे लगता है मैं आपसे अच्छा बोलता हूं। Yes, I think I speak better than you। आपको ऐसा क्यों लगता है? Why do you think so? Why do you think?
थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? व्हाई डू यू थिंक सो? ये ऐसा जो आ रहा है ना, इसके लिए सो लगेगा, ये एडवर्ब होता है। सो जो है इसका मतलब तो भी होता है, एज अ कंजंक्शन भी वर्क करता है, लेकिन यहां एज एडवर्ब काम कर रहा है, जिसका मतलब निकल रहा है ऐसा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? व्हाई डू यू थिंक सो? अब वहां क्यों जा रहे हैं? व्हाई आर यू गोइंग देयर? आपने इस काम को कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस वर्क? मैंने इस काम को अपने दोस्तों की मदद से किया। आई डिड दिस वर्क विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। आई नो वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू। क्या आप सब कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एवरीथिंग? क्या आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हो? क्या बोलोगे इंग्लिश में? बोलो सभी मेरे साथ। क्या आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली? एक बार बोलो तो सभी। कैन यू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली? आपने कहा हाँ, मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूं। ओके, कैन यू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली? हाँ, मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूं। यस, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी के लिए होगा एनीथिंग। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली। और मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूं तो आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग फॉर माई फैमिली। और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता, आई कैन डू नथिंग फॉर माई फैमिली। आप अगर ध्यान से देखिए तो पूरे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, सिर्फ लास्ट वाले में नथिंग लगा के आपने उसको नेगेटिव किया है। एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ, समथिंग कुछ, और नथिंग कुछ भी नहीं। ये चारों वर्ड्स आपके हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रीवियस सेशंस में मैं ये समझा भी चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं। सो मैंने कहा मेरे पास कुछ है आपको कहने के लिए। आई हैव समथिंग टू टेल यू। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आप नहीं जानते हो। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट यू डोंट नो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आप नहीं जानते हो। क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग जो आप नहीं जानते, दैट यू डोंट नो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो आपने कभी नहीं देखा है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट आपने पहले जीवन में देखा है? डू यू थिंक यू हैव एवर सीन सच अ प्रोडक्ट बिफोर? मुझे लगता है मैंने ऐसा प्रोडक्ट पहले कभी नहीं देखा। आई थिंक आई हैव नेवर सीन सच अ प्रोडक्ट इन माई लाइफ बिफोर। ये मेरे लिए नया है, दिस इज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। मुझे लगता है ये यूनिक प्रोडक्ट है। आई थिंक दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट। क्या आप ये मुझे बेचना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सेल मी? नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। नो, दिस इज नॉट फॉर सोल्ड। दिस इज नॉट फॉर सोल्ड। दिस इज नॉट फॉर सेलिंग या दिस इज नॉट टू बी सोल्ड। टू बी सोल्ड मतलब बेचा जाने के लिए। ये बेचा जाने के लिए नहीं है। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी कीमत बताइए। आई वॉन्ट टू बाई इट, प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। मुझे इसकी कीमत बताइए तो। प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। ठीक है, प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। मैं इसकी कीमत आपको नहीं बताना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू इट्स प्राइस। मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। कृपया मुझे इसकी कीमत बताइए। नाउ, क्या आपको लगता है आप इस काम को कर पाओगे? डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क? मैं इसे नहीं खरीदना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बाई इट। मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाई इट एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत के लिए इंग्लिश में होगा एट एनी कॉस्ट। क्या आप इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू बाई इट एट एनी कॉस्ट? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं टू बाई इट, इसको खरीदने के लिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर? आर यू रेडी टू बाई इट एट एनी कॉस्ट? आर यू रेडी टू बाई इट एट एनी कॉस्ट? हाँ, मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। यस, आई एम रेडी टू बाई इट एट एनी कॉस्ट। क्या आप ये मुझे बेचना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू सेल मी? हाँ, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू सेल यू। हाँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि मुझे आना पसंद है। आई एम कमिंग हियर बिकॉज आई लाइक टू कम हियर। आप यहाँ कैसे आओगे? हाउ विल यू कम हियर? आप इस काम को कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस वर्क?
मैं इस काम को अपने दोस्तों की मदद से करूंगा, आई विल डू दिस वर्क विथ माई फ्रेंड्स हेल्प. ठीक है, क्या आपके दोस्त आपकी हमेशा मदद करते हैं? डू योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू? डू योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू? नहीं, मेरे दोस्त मेरी कभी मदद करते हैं कभी नहीं करते हैं. नो, माई फ्रेंड्स समटाइम्स दे हेल्प मी समटाइम्स नॉट. क्या आप वहाँ रोज जाते हो? डू यू गो देयर डेली? मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, आई गो देयर समटाइम्स. आपको यहाँ रोज आना चाहिए, यू शुड कम हियर डेली, यू शुड कम हियर डेली. राइट नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस. जब कभी मैंने उससे कॉल किया उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. वेन एवर आई कॉल्ड हिम, क्या बोलोगे? वेन एवर आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट रिसीव माई कॉल, ही डिड नॉट रिसीव माई कॉल. मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुने, क्या कहेंगे? आई वॉन्ट यू टू लिसन मी, आई वॉन्ट यू टू लिसन मी. मैं चाहता हूं कि आप इस काम को अच्छे से करें. आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क वेरी वेल, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क वेरी वेल, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क वेरी वेल. क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? जो कुछ भी आपने कहा मुझे लगता है वो शत प्रतिशत सही है. वट एवर यू सैड इज आई थिंक 100% करेक्ट. जो कुछ भी आपने कहा, मतलब वट एवर यू सैड, Whatever you said is 100% correct. जो कुछ भी आपने बोला वो शत प्रतिशत सही है. Whatever you said is 100% correct. मैं जानता हूं जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो सही है. I know whatever you are saying is 100% correct. मैं जानता हूं जहां कहीं भी आप जाओगे आप अच्छा ही करोगे. I know wherever you go you will do good, you will do well. क्योंकि आपके पास में अच्छाई की पावर है. बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ गुडनेस. और जब कोई इंसान अच्छा होता है ना तो अच्छे ही काम करता है. बिकॉज व्हेन समबडी इज़ गुड सो ही डज गुड वर्क, ही डज ग्रेट वर्क. और आप में अच्छाई की पावर है एंड यू हैव द पावर ऑफ गुडनेस, सो आप अच्छा ही काम करोगे. यू विल श्योरली डू गुड जॉब. जिस किसी ने भी उसकी मदद की वो जीवन में सफल हुआ. क्या कहेंगे? जिस किसी ने भी उसकी मदद की वो जीवन में सफल हुआ. हू एवर हेल्प्ड हिम वो जीवन में सफल हुआ. ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ, ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ, मतलब वो जीवन में अपने क्या हुआ? सक्सीड हुआ, सफल हुआ. सक्सीड में डबल ईडी लगाओगे, ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ. जहां कहीं भी आप जाओगे आप उसे पाओगे. वेर एवर यू गो यू विल फाइंड हिम, यू विल मीट हिम. क्या आप इस काम को कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आपको ये काम करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू दिस वर्क? क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है. यस, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना है. आई हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. मुझे मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. मैं वहाँ नहीं जाना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. क्या आप इस काम को प्रॉपरली कर पाओगे? Will you be able to do this work properly? हाँ, मैं इस काम को properly कर पाऊंगा. Yes, I will be able to do this work properly. That's the way to practice.